सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं करने जा रही हूँ योगा, क्योंकि मेरे बॉडी में ना पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इसलिए मैंने जिम जाना बंद कर दिया है। तो मैंने योगा स्टार्ट किया है, डेली योगा करना स्टार्ट किया है। वैसे मैं हफ्ते में एक या दो बार करती थी, तो अभी मैं डेली योगा करना स्टार्ट किया है। और मेनली मैं जो बॉडी में पेन हो रहा है ना, बैक पेन वगैरह, शोल्डर पेन वगैरह, तो मैं उसके लिए योगा कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी बताऊँ। आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ को, तो मैं भी उस प्रॉब्लम्स को फेस करती हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग फेस करते होंगे और बहुत सारे लोग उसका सोल्यूशन भी ढूंढते होंगे। तो मैंने सोचा कि उस प्रॉब्लम को और सोल्यूशन को क्यों ना बताया जाए, कि अगर मैं उस चीज़ से थोड़ा सा रिलीफ फील कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आप भी वो चीज़ करके थोड़ा सा रिलीफ फील करो। तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ जब मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैं मैट बिछाऊंगी। तो सबसे पहले मैं योगा में ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करती हूँ, ताकि जो बॉडी है ना वो वार्म हो जाए। तो वो एक तरह से वार्म अप भी हो जाता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से। अगर आप अपने पैर को ऐसे रख सकते हो, कंफर्टेबल हो तो आप अपने पैर को ऐसे रख लो। बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में मैं भी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन अब ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से ना आपके जो बेली का जो मसल्स है ना, वो भी टाइट होता है। ये बाबा रामदेव का वीडियो मैंने देखा था, जो सुबह सुबह इंडिया टीवी पे आते हैं ना, उसमें बाबा रामदेव हमेशा बताते हैं। तो जब कोविड था ना, तो मैं बाबा रामदेव वाला सुबह सुबह खोलती थी और वो इंडिया टीवी पे आता था, तो मैं कोविड में उन्हीं के साथ एक्सरसाइज करती थी 40 से 45 मिनट। तो उसकी भी एक अलग, कोविड की तो अलग ही जर्नी है, तो उसको बताना है क्या, सबको सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। तो अभी मेरी बॉडी जो हो गई है ना, वो वार्म हो गई है। अभी मुझे ठंडा लग रहा था, अभी ठंडा लगना बंद हो गया है। तो इसके बाद मैं करती हूँ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। मेरे बैक में कुछ ज़्यादा पेन होने लगा है, तो मैं बैक के लिए करती हूँ ये वाला एक्सरसाइज। अगर आप योगा पूरा नहीं करते हो ना, तो आप ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग सुबह उठ के कर सकते हो। तो इससे बॉडी में जो स्ट्रेचिंग होती है ना, तो आपको वो उससे भी बेनिफिट होता है। तो 5 मिनट भी आप स्ट्रेचिंग कर लोगे ना मॉर्निंग में उठ के, स्पेशली जो जिसके जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। मैं फेस कर रही हूँ, तो आप लोग भी फेस करते होंगे। मैं तो इतना एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, उसके बावजूद मैं थोड़ा बहुत फेस करती हूँ। तो नॉर्मल लोग भी तो फेस करते ही होंगे। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हो, थोड़ा सा 5 मिनट स्ट्रेचिंग इज एनफ अगर आप करते नहीं हो तो। इससे पूरी बॉडी टूट जाती है, मेरे बॉडी में आवाज भी आती है ऐसे करने से। इसके मैं 25-25 के 2 या 3 सेट्स कर लेती हूँ। चलो, नहीं कर पा रहे बेटा, रहने दो, मत कर। हाँ? नहीं कर पा रहा ना, यहाँ बैठ जाओ।
अच्छा मैम ने बताया है ऐसे आप ऐसे करोगे वो इधर पकना है ऐसे को इसको करना है क्रॉस करना है क्रॉस करना है क्रॉस करना है पता अच्छा मैंने स्कूल पे गया था मेरा एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट, योगा कंप्लीट हो गया और मैं अपने योगा में अभी तो मैं थोड़ा योगा कर रही हूँ क्योंकि अभी बॉडी पेन है तो बहुत ज़्यादा नहीं कर रही, तो अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेचिंग मैं ज़्यादा कर रही हूँ, स्ट्रेचिंग वगैरह ज़्यादा कर रही हूँ, बॉडी वेट से जो एक्सरसाइज होता है वो कम कर रही हूँ। तो अभी जस्ट मैंने एक्सरसाइज किया ना तो बॉडी में अभी मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, तो ये सारे मैं एक्सरसाइज करती हूँ अगर मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है बॉडी में तो, और मुझे लगता है ये आपको हेल्प करेगा अगर आप भी करोगे तो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैंने किया नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा और बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है जो कोई भी घर बैठे कर सकता है। तो ये था मेरा एक्सरसाइज, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, टिल देन बाय बाय। सी तुमने भी तो एक्सरसाइज किया, बोलो तो, तुमको साथ साथ बोलना था, बोलो लो ये बोलो क्या बोलना है।
Like and subscribe my channel. Very nice. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care.